नमस्कार। तुला राशि पर सितंबर माह में होने वाले कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिव तारीखें आपके लिए स्टडी करने के बाद हम लेकर जो आए हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे। 4, 8 और 16 और 18 ये तारीखों में कुछ बदलाव है। मैं आप खुलासा कर देता हूं, 4 तारीख को आपके इनकम हाउस में बुध का प्रवेश हुआ है, जो कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी इनकम हाउस में आया है, तो वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम तो देगा ही, साथ ही साथ वहां पर बुधादित्य योग बनाकर सूर्य आपके लिए नए नए सफलता के द्वार खोलता है। 8 तारीख को नया बदलाव क्या है? आपके छठे भाव में चल रहे राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र होता है, उसके ऊपर से राहु का संचरण अगले कुछ महीनों तक रहेगा, ये साधारण बात नहीं है। साथ ही साथ केतु का जो संचरण है वो हस्त नक्षत्र में होगा, आपके 12th हाउस में होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, आपकी एनर्जी व्यर्थ में वेस्ट जाएगी, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही तरफ लगाएं, अपनी ताकत को, अपने विचार को, दूरदर्शिता का सही इस्तेमाल करें अपनी एनर्जी का। अब हम नई बात ये बताएंगे कि 16 तारीख को आपका जो सूर्य इनकम हाउस में चल रहा है उसका परिवर्तन द्वादश भाव में होगा। अगला एक महीना आपका यात्राओं में गुजरेगा, या आपके शरीर में आलस्य रहेगा, नेत्र पीड़ा रहेगी, या स्किन प्रॉब्लम, त्वचा रोग, नेत्र पीड़ा के साथ साथ आप अपनी शक्ति को गलत दिशा में ना लगाएं और अपने पिता के जो पारिवारिक सदस्य, ब्लड रिलेशन, चाचा भतीजे और बंटवारा अगर कहीं करना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उसको अभी होल्ड करके रखें। और कब तक करें ये काम? आपको 1 जून 2025 तक होल्ड करना है। व्यर्थ के झगड़े अभी चलेंगे, क्योंकि राहु और केतु और भी कई ग्रह इस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते हैं 12वें सूर्य के दौरान। अब नई बात हम करेंगे, भाग्य स्थान पर बैठे हुए मंगल की द्वादश भाव पर दृष्टि होगी। कुछ लोग विदेश में जाने की प्लान कर रहे हैं, या अपने जॉब को बदलने की इच्छा करते हैं, या प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने की इच्छा है उनकी। इस प्रॉपर्टी को बेचना है या खरीदना है, मेरा यहाँ रहने को मन नहीं है, इस प्रकार की उधेड़ बुन में कुछ लोग लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे नई, जो आपका सीधा सीधा आपको हिट करती है और आपके मतलब की है। 18 सितंबर को मालव्य योग बना करके तुला राशि को स्पेशल चमकाने के लिए शुक्र तुला राशि में मूल त्रिकोण राशि में होंगे, और इतनी बलिष्ठ राशि मानी जाएगी समस्त भूमंडल पर। कारण क्या है? शुक्राचार्य जो है इस संसार के अंदर अकेले ऐसे दैत्यों के गुरु हैं जिनके पास मृत संजीवनी विद्या है, जो विद्या देवताओं के पास भी नहीं है। उस विद्या को सिखाने के लिए बृहस्पति के पुत्र को देवताओं ने छल करके शुक्राचार्य के शिष्य के रूप में भेजा था। शुक्राचार्य की कन्या थी देवयानी। तो कच्छ जो है, कच्छ ने विद्या सीख ली थी। कहानी बहुत लंबी है। शुक्राचार्य के पेट में कच्छ गया और फिर पेट को फाड़ कर निकला, फिर शुक्राचार्य को जीवित किया। लंबी कथा है, लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि शुक्र इतना मजबूत ग्रह है जो
तुला राशि के लिए विशेष सुख सुविधा, मान सम्मान, खान पान, वस्त्र आभूषण, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा सुखों के साधन को ढेर लगा देता है, ढेरों के ढेर लगाता है शुक्र। तो क्यों ना उसकी चर्चा की जाए और तुला राशि वालों को अपने आप को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपकी राशि कोई साधारण राशि नहीं है, यूनिक। और नई बात और क्या है, आपकी एक राशि और है शुक्र की, वृषभ राशि, जिसमें चंद्रमा उच्च राशि का होता है और शनि को ये वरदान है षष्ठी का, जो न्यायाधीश है वो तुला राशि पर ही उच्च राशि का फल देता है, जो कि आज की स्थिति में आपके पंचम भाव को ज्ञान बुद्धि विवेक संतान तथा आपकी दूरदर्शिता अच्छे विचार। देखिए कुछ लोग आपको मिस पॉइजन करेंगे, गलत शिक्षा देंगे, लेकिन जब काम आपका इंप्लीमेंट होगा तो आपके हाथ से वो काम पासा जो आपका डलेगा या आपका जो दांव चला जाएगा या जो भी एक्शन होगा आपका वो सीधा होगा, भले कितने लोग आपका बुरा चाहें या आपको मिसगाइड करें, लेकिन इंप्लीमेंट करते समय आपका कार्य बिल्कुल सही संपन्न और सटीक और सही दिशा में निशाना लगेगा आपका। अब ये दो तीन बातें हुई कंप्लीट। आपको छठे स्थान पर जो चल रहे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जो राहु का परिवर्तन होगा, वो आपके शत्रु जो आपके खिलाफ बहुत दिनों से कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र कर रहे थे, उन चोरों की, बेईमानों की या आपके शत्रुओं की जो जमात है, वो अपनी समस्या में इस प्रकार फंस जाएगी कि उनको अपना डायरेक्शन, अगर वो साउथ की दिशा में जा रहे थे आपको नुकसान पहुंचाने, ऑटोमेटिक नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएंगे। ये ग्रह का परिवर्तन है और यही ट्रांजिट है राहु का, यही फल है राहु का। अब भाग्य स्थान पर बैठे हुए मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपके धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी मंगल बैठा है भाग्य स्थान में, तो भाग्य के द्वारा भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, आपका भाग्य ही आपको धन देगा, तरक्की देगा, पैसा देगा, प्रॉपर्टी देगा, आपकी संतान की निरंतर उन्नति देगा। आज जिन जिन को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के मन में इनसिक्योरिटी चल रही थी, उसको खत्म करना होगा, वो खत्म हो जाएगी। अगले वर्ष बृहस्पति भी पॉजिटिव इफेक्ट देगा। अब हम आपकी अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं तुला राशि के लिए, विशेष रूप से 4-5-6 सितंबर अच्छी तारीख नहीं है। कोई रिस्क वाला काम ना करें, जल्दबाजी ना करें, विवाद ना करें। 13, 14, 15, 22, 23 और 24 सितंबर ये आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। बाकी जितनी भी सितंबर की सारी तारीखें वो आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।